तो वही एक टाटा प्ले का स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेटअप बॉक्स है, और इस बॉक्स का इश्यू है कि इसमें रेड लाइट जलता है। एक बार आप ऑफ करके दोबारा ऑन करो तो डायरेक्टली इस पर रेड लाइट ही आता है, लाइट कोई चेंजेस नहीं होता लाइट में, जैसे कि स्टैंड बाई रिलीज नहीं होता, तो इसे कहते हैं स्टैंड बाई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखें टीवी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है, ये भी आ रहा है बट कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं आ रहा है, क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पे है तो पिक्चर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक CRT टीवी पे लगा के रखा है LG का, हालांकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स है। तो ऐसे में इस बॉक्स में स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स का इशू ऐसा आता है, आपका टीवी स्क्रीन पे नो सिग्नल आता है या फिर आपका ब्लैंक होकर रह जाता है, और सेटअप बॉक्स पे यहाँ पे देखे रेड लाइट जल रहा है। ठीक है, जब भी आप ऑफ करो दोबारा सेटअप बॉक्स को ऑन ऑफ करके ऑन करो, ऐसे में कुछ लाइट वगैरह ब्लिंक होता है, इसका बाद जाके आपको ग्रीन लाइट आता है या फिर स्टैंड बाई रिमोट पे स्टैंड बाई बटन प्रेस करते स्टैंड बाई रिलीज हो जाता जनरली, बट यहाँ पे देखे स्टैंड बाई रिलीज होगा नहीं। आपको रिमोट में जितने भी कोशिश कर लो, ये बॉक्स ऑफ करके दोबारा ऑन करोगे तो आपका सेम स्टैंड बाई लाइट जलता रहेगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों अगर ऐसा प्रॉब्लम आपका भी साथ हो रहा है, तो ज़्यादातर अभी यही प्रॉब्लम हो रहा है, सेट टॉप बॉक्स का इश्यू ऐसे ही आ रहा है, तो यहाँ पर स्क्रीन पे देखे ब्लैंक आएगा। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम अगर आपका भी साथ हो रहा है तो इसके लिए आप क्या करोगे ये जानेंगे। तो अभी जो देखा दोस्तों आपने, ये एक ऑटो स्टैंड बाई वाला प्रॉब्लम है। अगर आपका टाटा प्ले सेट टॉप बॉक्स में इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है या नहीं, तो इसके लिए आपको करना क्या। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपका भी सेट टॉप बॉक्स के साथ हो रहा है जो कि ऑटो स्टैंड बाई हो, सेट टॉप बॉक्स को ऑफ करके ऑन करते ही आपका ऑटोमेटिकली रेड लाइट पर मतलब रुक जाए, आगे कोई प्रोसेसिंग ना हो और स्क्रीन पर आए नो सिग्नल या फिर ब्लैंक स्क्रीन आए, ऐसे में इस प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या करोगे। इस प्रॉब्लम्स का सलूशन के लिए आप कहीं अगर किसी भी मैकेनिक को अपना बॉक्स वगैरह दिखाओ, सेट टॉप बॉक्स को ये सही करने के लिए जो भी प्रोसेस करेंगे, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन ही चलेगा, फिर दोबारा ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम्स का परमानेंट सलूशन क्या है, बॉक्स का परमानेंट सोल्यूशन है दोस्तों, इस बॉक्स को आपको चेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो टाटा प्ले सेट टॉप बॉक्स अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स है तो इसके लिए आपको चार्जेस क्या लगेगा, हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स है इसके लिए आपको चार्जेस क्या लगेगा, दोनों ही जानेंगे इस वीडियो में, और वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मेरा चैनल पर ऑलवेज आपको टीवी एंड डीटीएच रिलेटेड वीडियोस का अपडेट मिलते रहता है। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन बॉक्स अगर खराब है तो अपग्रेड तो नहीं कर पाओगे, इसके बदले में आपको हाई डेफिनेशन बॉक्स एक्सचेंज होगा। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स है, उस स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स खराब हुआ, तो ऐसे में आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स को चेंज करके आप हाई डेफिनेशन बॉक्स भी ले सकते हो HD अपग्रेड करके। तो आइए तो जानते हैं वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसे चेंज करना चाहते हो आप, देन कस्टमर केयर नंबर पे आपको कॉल करना है। कस्टमर केयर नंबर है 1800208663, जिसके लिए आपको ओनली 550 का चार्जेस लगेगा, अपना सब्सक्राइबर ID पे रिचार्ज करना है। ठीक है, आपका घर तक ये बॉक्स चेंज हो जाएगा। और अगर हाई डेफिनेशन बॉक्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, देन हाई डेफिनेशन बॉक्स को अगर एक्सचेंज करना है देन आपको क्या करना पड़ेगा, 600 पे करना है। प्रोसीजर सेम, कस्टमर केयर पे फोन करके कंप्लेन रेज करना है। ठीक है, आपका घर तक सर्विस मिल जाएगा। और अगला है कि अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स को चेंज करके HD में अपग्रेड करना चाहते हो, जिसके बदले में आपको 1 ईयर्स का वारंटी मिलेगा, एक नया बॉक्स मिलेगा, तो इसके लिए आपको पे करना है 799, ओनली 799 पे करके आप ये बेनिफिट्स ले सकते हो। ये तीनों ही प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बॉक्स में ऐसे टाइप का इशू आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।